सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। तो हेलो गाइस एंड गर्ल्स, आई डोंट नो ये मेरा इंट्रो नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, मेरे को अच्छा लग रहा है। तो स्वागत है आप सबका पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड के एक और नए एपिसोड में। आई नो ये गेम मैंने बीच में छोड़ दिया था क्योंकि आफ्टर डिफीटिंग 7 जिम लीडर, जो भी 8 जिम लीडर है यहाँ पे, इस सिटी का नाम आई डोंट नो अभी याद नहीं है, आई गेस ये हैमरलॉक सिटी है आई गेस सो। तो यहाँ पे जो 8वां जिम लीडर है रिहान, जो कि हमारे लियोन का ब्रो है, या फिर ब्रो नहीं बोल सकते, दोस्त है काफ़ी अच्छा, वो रूठा है हमसे, वो बैटल ही नहीं करना चाहता हमसे। तो हमने क्या किया, रिहान को मनाने के लिए हमने गेम का वर्जन ही बदल दिया, मतलब जो इंग्लिश वाला वर्जन था उससे मैं शिफ्ट हो चुका हूँ पोर्तुगीज़ वाले वर्जन में, जिसकी मैं डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अभी मैं प्रोसीजर नहीं बताऊँगा कि आपको कैसे अपनी सेव फाइल को उसमें डालना है, आप लोग YouTube पे सर्च कर लो हाउ टू, मतलब आपको तो पता ही है ना कि कैसे सेव फाइल GBA में ये ओपन कर सकते हैं, अपनी पुरानी गेम की सेव फाइल कैसे लोड कर सकते हैं न्यू वाले रोम में, वो YouTube पे आपको मिल जाएगा बहुत सारे ट्यूटोरियल। मैंने भी उल्टा ट्यूटोरियल देख के सीखा और फिर कर दिया, तो आपको भी वही करना, अगर आगे खेलना है मेरे साथ तो कर सकते हो। एंड आई गेस इसके और 2-3 एपिसोड आएंगे, तो पहले हम लोग, मैं क्या सोच रहा हूँ, पहले स्वॉर्ड एंड शील्ड को ख़त्म करेंगे, जो अधूरा काम है उसको पहले ख़त्म करेंगे, फिर नए में हाथ डालेंगे, क्योंकि आपको तो पता ही है मेरी आदत ऐसी है, मैं कोई भी चीज़ अधूरी नहीं छोड़ता। आई नो अभी आप लोग बोलोगे कि फिर रेडिकल रेड का क्या हुआ, या फिर ब्लैक एंड वाइट 2 का क्या हुआ। तो रेडिकल रेड मैंने गुस्से में डिलीट कर दिया था, वो काफ़ी, मतलब देखो, कैंटो के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जिम लीडर, जो कि नहीं है, कभी भी मैं नहीं मान सकता एरिका, उससे मैं हार रहा था। वो गेम बहुत ही हार्ड है यार, वो गेम मतलब एक अलग ही लेवल पे। प्लस अगर देखा जाए तो, मतलब देखो ब्लैक 2 का क्या हुआ था कि वो मेरे से गलती से फ़ोन मतलब फॉर्मेट हो गया था, तो उसकी फाइल डिलीट हो गई थी, और मैं इतना आलसी हूँ कि मैं रिटर्न वहाँ तक नहीं खेलना चाहता था, तो उसको भी बंद करना पड़ा। तो डोंट यू वरी अबाउट दैट गाइस, हम लोग कभी ना कभी ब्लैक 2 फिर से स्टार्ट कर देंगे। आपकी आपको, अरे यार ये कितनी चल रही है मेरे सामने, तेरे को पैर में दर्द नहीं होती क्या? हाँ बट ठीक है, छोड़ो कोई बात नहीं। तो अभी हम लोग इसमें, अभी हम लोग पोर्तुगीज़ वर्जन में खेलेंगे, क्योंकि पोर्तुगीज़ वर्जन में कोई भी ग्लिच नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं प्रूफ दे देता हूँ ये पोर्तुगीज़ वर्जन है कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अपने जो ए स्टार्ट गेमिंग ने किया था उस वाले वर्जन में अगर हम लोग मैप खोलेंगे तो अपना गेम रिस्टार्ट हो जाता है। बट देखो गाइस, मैं यहाँ पे टाउन मैप खोल के दिखाऊंगा आपको, और यहाँ पे बिंदास टाउन मैप खुल जाता है, और देख सकते हो ये है अपने गलार रीजन का मैप। यहाँ पे हम लोग, आई गेस हम लोग पोस्ट वीक से स्टार्ट करते हैं, और फिर यहाँ से हम लोग टेलीपोर्ट होते होते यहाँ, अभी हम लोग यहाँ पे है, ये नाम भी नहीं है इस जगह का, ओके मोटर स्टॉक में तो नहीं है हम लोग, आई गेस क्या पता कौन सी जगह पे है हम लोग, हलबरी इधर है देखो गाइस, फिर सर्केस्टर, ये अलग अलग जगह है, ये बलोलिया जो भी नाम है इसका, स्टोन साइड, देख सकते हो यहाँ पे हम लोग, ये मैप है। मैं पहली बार आपको मैप, मैं खुद पहली बार बल्कि मैप देख रहा हूँ, जो कि बहुत सही बात है इस गेम के बारे में, मतलब पोर्तुगीज़ वर्जन के बारे में। हाँ इसका एक ही मतलब फ्लो है कि हम, मतलब एक ही गलती है इसमें कि हम लोग समझ नहीं पाएंगे क्या चल रहा है, बट ठीक है हम लोग धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, कुछ ना कुछ तो किधर ना किधर से तो जाएंगे। ओके यहाँ पे बीड़ी तो है ही नहीं यहाँ पे, आई डोंट नो, तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता आप लोग बोर हो जाए। तो ये सब मेरे को पढ़ने के लिए हो भी नहीं रहा है क्योंकि मैं पोर्तुगीज़ तो नहीं हूँ, ऑब्वियस ही बात है। तो जो भी ये सेंटेंस आएगा तो हम लोग इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे, होपफुली आप लोग समझ सकते हो। यहाँ पे एक और सेंटेंस, आई डोंट नो यहाँ पे कौन सी पेंटिंग दिखा के क्या बताना चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे कोई मेरे सामने दिख भी नहीं रहा है, बट फिर भी ये लोग कुछ ना कुछ तो चालू है। तो गाइज़ फाइनली हम लोग जाके रिहान के साथ बैटल करेंगे इस बार इस गेम में, क्योंकि इस गेम में मैंने सुना है कि रिहान के साथ, मतलब ये कम्प्लीटेड गेम है तो हम लोग इसमें आराम से बैटल कर सकते हैं। बस इतना ही गलत, मतलब ये है गलत चीज़ है कि ये मतलब हिंद क्या बोलते हैं पोर्तुगीज़ में, इंग्लिश में नहीं है। देख सकते हो गाइस फाइनली रिहान हमारे साथ बातें कर रहा है, ये भी फाइनल मेटी जो भी बोल रहा है, आई डोंट नो। तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करूँगा, ये क्या बोल रहा है आई डोंट नो। हम लोग पहले भगाएंगे इसको, तो पहले हम लोग, मैं क्या बोल रहा था गाइस, पहले हम लोग इस गेम को कम्प्लीट करेंगे, इसके भी आई गेस लगभग 3-4 एपिसोड आ सकते हैं, फिर जाके ये एपिसोड, ये भी ख़त्म हो जाएगा स्वॉर्ड एंड शील्ड GBA, फिर उसके बाद हम लोग ड्रीम का एपिसोड 4 स्टार्ट करेंगे आई गेस, 4 या फिर 3 आई गेस, हाँ 4। ओके इसके पास, हाँ और मैंने आपको मेरी टीम बताई नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने मेरी टीम को काफ़ी लेवल अप करा लिया है, मतलब मतलब एक के साथ ही फाइट करो, बाकी लोग तो खुद ब खुद लेवल अप होते रहते हैं इस गेम में, जो कि इसकी, इस गेम की खासियत है। मेरे को, मैं विश करता हूँ कि ऐसा, मतलब ऐसी सिस्टम, मतलब ये जो एक्सपीरियंस शेयरिंग सिस्टम
अगर पोकेमोन ड्रीम्स में भी होता तो बहुत सही होता, बट ठीक है कोई बात नहीं। हम लोग एक गेम क्रिएटर से और क्या क्या मांग सकते हैं, तो यहाँ पे पहले तो देख सकते हो मैं कर लूँगा यहाँ पे जायगांडा मैक्स, और यूज़ कर लूँगा मैक्स गीज़र अपने ये गिली, क्या नाम है इसका, गीगालिथ के ऊपर, क्योंकि मेरे को ये नहीं पसंद। और हम लोग यूज़ करेंगे ब्रेव बर्ड फ्लाइगॉन के ऊपर, आई गेस सो। ओके, ये फ्लाइगॉन ड्रैगन डांस कर रहे हैं, ये मेन बैटल है इसलिए मैं स्किप नहीं, मतलब स्किप नहीं, फास्ट फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूँ। अरे ये बड़ा वाला हुआ ही नहीं, 1 मिनट, ये बड़ा क्यों नहीं हुआ? बट ठीक है, नहीं हुआ तो क्या फ़ायदा, हमने इसको वन शॉट किल तो कर दिया, जो कि सही बात है, हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा ही है। इसके पास टोटल 4 पोकेमोन है, ब्रेव बर्ड हमने यूज़ कर दिया इसके ऊपर, फ्लाइगॉन के ऊपर, देखते कितना डैमेज। ओ सही में डैमेज, मतलब सही डैमेज दिया, हालांकि हमको थोड़ा सा रिकॉइल में डैमेज पड़ा, बट ठीक है। हम लोग एक और मैक्स गीजर यूज़ करेंगे सैंटा कोंडा के ऊपर, और एक और ब्रेव बर्ड फ्लाइगॉन के साथ ऊपर, तो आई ओके, इसने प्रोटेक्ट ही कर लिया। ओके कोई बात नहीं, ठीक है, होता है होता है, छोटी छोटी मतलब देशों में ऐसी बड़ी बड़ी बातें होती रहती है। और फ्लाइगॉन ने सैंडस्टॉर्म भी मारा बंगा लिया, बट आई डोंट थिंक सो कि हमारे ऊपर, अरे प्रोटेक्ट के बाद भी ये हिट हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है? आई गेस ये नेक्स्ट टर्न थी। सैंडाकोंडा भी वन शॉट किल हो रहा है यार, रिहान इतना स्ट्रांग नहीं है मेरे को जितना लग रहा था, और ना ही इसके पास जायगांडा मैक्स पोकेमोन भी, आई डोंट नो यहाँ पे क्या हो रहा है, बट ठीक है। ओके है, सॉरी सॉरी, मैं मेरा शब्द रिटर्न ले लेता हूँ, मेरे को लगा नहीं था कि हो गए उसके पास, बट ठीक है उसके पास। चलो इसका आखिरी पोकेमोन बच चुका है, जो भी है जायगांडा मैक्स डूराल, क्या लिखा है, डूरालूड। इस पोकेमोन का नॉर्मल रूप भी कैसा दिखता है मेरे को याद नहीं, ये कौन सा जनरेशन का पोकेमोन है वो भी मेरे को याद नहीं, आई गेस मैं देखा नहीं हूँ ना गलार रीजन के एपिसोड्स, तो आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस पोकेमोन। बट फिर भी मेरे को देख के तो वाइट कलर का है, तो आई गेस मैं ऐसा प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि ये आइस टाइप हो सकता है। तो हम लोग आइस टाइप के ऊपर अर्थक्वेक ट्राई करें क्या? आई डोंट थिंक सो, बट ठीक है, और क्या ही कर सकते हैं। और हम लोग ट्राई करेंगे ड्रिल पैक इसके ऊपर, क्योंकि मैं एक ज़्यादा ब्रेव बर्ड मतलब सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि उससे मेरी भी एचपी जाती है, आई होप सो। आपको तो पता ही हो गया, वो इसने उसका कुछ तो बढ़ा, ओके डिफेंस बढ़ गया यार, देखते ये कितना डैमेज देगा। ओके सही में डैमेज दिया यार, मतलब ये आइस टाइप है, कॉर्विनेट के ऊपर तो ये यूज़ नहीं होगा, ऑब्वियस ही बात है। अरे रे, ये आई गेस मेरे को तो ऐसा लग रहा है, देखो फ्लाइंग टाइप इसके ऊपर सुपर इफेक्टिव नहीं थी, तो ये एक आइस टाइप तो फिक्स है, और फ्लाइंग टाइप किसके ऊपर सुपर इफेक्टिव नहीं हो, मतलब सुपर इफेक्टिव नहीं, किसके इसके ऊपर इफेक्टिव नहीं रहती, या तो वो रॉक होगा, स्टील होगा, या फिर ऐसा ही कुछ तो होगा। चलो कोई बात नहीं, हम लोग आइस टाइप तो है इतना तो पता है, मैं पोकेमोन चेंज कर लूँ क्या? आई गेस हम लोगों को पोकेमोन चेंज कर लेना चाहिए, बट ठीक है, नहीं यार रिस्क भी नहीं लूँगा मैं। हम लोग काम करेंगे, एक और अर्थक्वेक के साथ जाएंगे, और लेट्स यूज़ स्टील ब्रेव बर्ड। अरे ये तो चला ही जाएगा, ओके आई गेस। नहीं यार, कॉर्विनाइट बहुत स्टर्डी है हमारा, बट इसका डिफेंस बढ़ रहा है गाइस, वही तो हमारे लिए यार, ठीक है कोई बात नहीं, लेट्स सी। येलो में तो आ ही चुका है ये, कॉर्विनाइट को तो एक घंटा भी फर्क नहीं पड़ने देगा। ओ अगर ब्रेव बर्ड में ये चला गया, नहीं जाएगा यार, ये पक्का रॉक टाइप है, और रॉक एंड रॉक या फिर स्टील, और आइस, आइस तो कंफर्म है, बट इसका सेकंड अब आई गेस रॉक या फिर स्टील होगा, आई गेस सो। क्या पता, अगर ये स्टील एंड आइस टाइप है तो ये फायर के अगेंस्ट 4 टाइम्स वीक है। लेट्स यूज क्रंच अगेंस्ट दिस मैन एंड यूज स्टील विंग, लेट्स सी। अरे यार इसके पास हाइपर पोशन भी है, ठीक है मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ, ये बहुत टाइम ले रहा है। काम करते हैं, हम लोग पोकेमोन चेंज ही करेंगे, बट जब ओके मेरा एक पोकेमोन तो ऑटोमेटिकली फ्रेंड हो गया, तो अभी हमारे पास चांस आ चुका है, हम लोग सिंड्रंस को बुलाएंगे। मेरे को ऐसा शक हो रहा है कि ये आइस टाइप तो कन्फर्म है, तो हम लोग अभी इसके ऊपर स्टील मतलब फायर टाइप हमला करेंगे, पहले तो इसको दे देंगे कोई भी मैक्स फ्लेयर से यूज़ करके देखते हैं। ओ मैक्स क्वेक, अरे रे इसके पास सही सही हमले है, आई गेस मेरा ये पोकेमोन भी चला जा सकता है, बट ठीक है कोई बात नहीं। ओ मैक्स, मेरे को हटाया, ये नहीं हुआ सिंड्रेंस को हिट ही नहीं हुआ, आई गेस हमने इसके सारे पोकेमोन हरा दिए। जी हाँ गाइज, रिहान हार चुका है हमसे, आई डोंट नो ये क्या बोल रहा है, बट ठीक है अभी ये भी नहीं पता क्या बोल रहे हैं, ठीक है यही तो इस दिक्कत है इस गेम को खेलने की, बट ठीक है हम लोगों ने आफ्टर ऑल हमारे पास 8 जिम बैज आ चुके हैं, तो अभी हम लोग पोकेमोन लीक मतलब पोकेमोन गलार रीक को चैलेंज कर सकते हैं।
एंड वैसे भी एपिसोड स्टार्ट होके 9 मिनट ही हो चुके हैं और हम लोगों ने यहाँ पे हमारा आखिरी जिम बैच गला रीजन का हासिल कर लिया। और यहाँ पे ये अगर प्रोफेसर मंगोलिया रहेगी और ये सोनिया कोई तो है आई गेस, मेरे को जहाँ तक याद है। जी हाँ, ये दोनों वही है, बट ये लोग कुछ तो पुर्तगीज़ में बोल रहे हैं, आई डोंट नो। अगर आपको ट्रांसलेट करना है तो कर सकते हो, वरना रहने दो, और क्या कर सकते हैं। मैं फ़ास्ट फॉरवर्ड किया, ये 3x स्पीड है गाइज, मैं 4x में खेलता था बट वो बहुत ही फास्ट होता है। तो हम लोग, अरे ये क्या हुआ फिर से, यहाँ पे कहाँ से आ गया मैं। एंड अगर बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है तो आई होप यू कैन इग्नोर दैट, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ होता रहता है मेरे एरिया में, अलग अलग एक्सपीरियंस होते रहते हैं, एडवेंचर होते रहते हैं मेरे एरिया में। यहाँ पे क्यों हो ये प्रोफेसर मंगोलिया फिर से, कौन आई है, कौन है ये, कई कब आई है ये फिर से। यहाँ पे कुछ दिखता भी नहीं है, आई डोंट नो यहाँ पे क्या हो रहा है फिलहाल। तो हम लोग ओके, हम लोग जा सकते हैं अभी। हम लोग पहले एक बार काम कर लेंगे, हम लोग पहले तो पोकेमॉन हील कर लेंगे नश जॉय से। नश जॉय प्लीज़ हमारे पोकेमॉन हील कर दो जल्दी से जल्दी। ओके पोकेमॉन हील हो चुके हमारे, तो अभी हम लोग क्या करेंगे देख मिनट, मेरे पोकेमॉन अभी ठीक ठाक लेवल की है, तो अभी हम लोगों को, मेरे को याद है मैंने याद है हम लोगों को किधर जाना है। आई गेस हम लोगों को अभी ट्रेन स्टेशन पर जाना होगा, एंड यहाँ पर तो ट्रेन स्टेशन यहीं पर होता है, एंड आई गेस यही है, क्योंकि यहाँ पर हॉप कुछ तो कर रहा है, आई डोंट नो ये एको क्या। छोड़ो कोई बात नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा। एक मिनट, हम लोग ट्रेन में है क्या? जी हाँ गाइज, इस गेम में भी ट्रेन एग्जिस्ट करती है। हाँ मतलब इनसाइड, मतलब ट्रेन के अंदर का, इस बार पहले इस गेम में पहली बार मैं देख रहा हूँ। हाँ उस गेम में भी तो था, पोकेमॉन ड्रीम्स में भी तो हम लोग ट्रेन में थे स्टार्टिंग में ही। एंड अगर आपका गेम बीच में ट्रेन में अटक जाता है तो यूज़ माई बाय एमुलेटर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपको, आई गेस सो। हम लोग इधर बैठ जाते हैं चुपचाप, इसे बात करूँ क्या मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, ये क्या बोल रहा है आई डोंट नो। ओके हम लोग आ भी चुके हैं, ट्रेन ने हमें किधर तो पहुँचा दिया, आई डोंट नो हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे मेरे को एक मिनट, यहाँ पे एक बैटल्स आ रही है, आई गेस यहाँ पे बहुत सारी बैटल्स होंगी, तो मैं एक काम करता हूँ आपको मिलता हूँ सीधा जहाँ पे ये बैटल्स सारी ख़त्म होगी वहाँ पे। ओके तो गाइस हमने इतने सारे बैटल्स, लगभग 5-6 बैटल्स थी जो कि हमने अवॉइड कर दी, अवॉइड नहीं की, जिन लोगों से बैटल कर सकते थे उन, मतलब कंपलसरी कर हो गए, यहाँ पे भी मेरे को अवॉइड करनी है तो मैंने अवॉइड कर दी। यहाँ पे भाग भी नहीं सकते तो ये बहुत ही स्लो है, बट ठीक है, और हम लोग क्या ही मतलब एक्सेप्ट कर सकते इस गेम के थ्रू। अभी हम लोग विंडॉन में आ चुके हैं, आई डोंट नो विंडॉन क्या है, यहाँ पे भी एक मूर्ति है, यहाँ से टेलीपोर्ट हो सकते हैं आई गेस सो। जिस सिटी को पहले से थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ से एक और रास्ता है नीचे जाने का, आई डोंट नो यहाँ पे ये रास्ता क्यों है, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है तो हम लोग इस सिटी का पोकेमोन सेंटर ढूंढ लेते हैं। वो यहाँ पे जिम है आई गेस, जिम तो हमने लगभग हमने सारे बैचेस तो जीत ही चुके हैं, लगभग देखा जाए तो लगभग क्या हमारे पास 8 बैच आ चुके हैं, तो हम लोग अभी सीधा बैटल करने के लिए जा सकते हैं आई गेस सो। यहाँ से तो ये बंद है, तो हम लोग अभी सीधा एक काम करेंगे, यहाँ पे अंदर जाके देखते हैं क्या है यहाँ पे। क्या करूँ, इनसे बात कर लेता हूँ पहले, ये कौन सी बांडू बांडू क्या पता, छोड़ो कोई बात नहीं। एक मिनट, मेरे को कहाँ पे ला दिया, मेरे को बात करनी है किससे आई गेस। ए यहाँ पे सीधा बैटल में घुस गया, मैं मरीन के साथ मारनी के साथ मैं बैटल करूँगा यहाँ पे। मेरे पोकेमोन तो वैसे हील ही है तो हाँ मेरे को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, एंड जहाँ तक मेरे को याद है मारनी के पास आई गेस नॉर्मल टाइप पोकेमोन थे, तो मैं हमारे ऑब्स्टेगून को सामने रख लेता हूँ, एंड चलो इसके साथ बैटल करते हैं। मैं बैटल फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा क्योंकि एपिसोड खाली फुकट में बड़ा नहीं कराना है मेरे को, तो देखते हैं। जी हाँ ये लियोपार्ड है, ये एक डार्क टाइप पोकेमोन है, तो हम लोग ब्रिक ब्रेक यूज़ करेंगे। ओ रिवर्सल सही है, सर्वाइव कर गया यार, फिर भी फुल रिस्टोर यूज़ करेगी। ओके एक और ब्रिक ब्रेक, रिवर्सल काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक है, हमारे पास हीलिंग आइटम्स होने चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत दे सकते हैं आगे जाके। टॉक्सिक रॉक, ओके टॉक्सिक रॉक के लिए हमारे पास ड्रेड नाउ है, जिसके पास अर्थक्वेक है तो वो आई गेस होपफुल इसको संभाल लेगा। अरे यार एक HP पर बच गया वो, लेट्स यूज़ हेडबट। चलो हमारा काम यहाँ पे भी हो चुका है, एंड अभी दूसरा तीसरा पोकेमोन कौन सा मैंने देखा भी नहीं, सॉरी। अच्छा मोरापीको, ये भी एक इलेक्ट्रिक टाइप लग रहा है मेरे को, तो हम लोग इसके सामने यूज़ कर सकते हैं। ओके ये इलेक्ट्रिक टाइप ही है, पिकाचू का कॉपी बोल सकते हैं हम लोग इसको। और ये कौन सा था मैंने पढ़ा नहीं। ओके ये एक फाइटिंग
सॉरी फाइटिंग टाइप पोकेमोन होते हैं हम लोग, इसको इसके सामने किधर गया हमारा, कॉर्बिनाइट को लाएंगे आई गेस। हमारा वर्कअप से कुछ नहीं होगा ब्रो, ड्रिल पैक इसके लिए बहुत होने वाला है। ओके ड्रिल पैक काम नहीं किया, बट ठीक है एक और ड्रिल पैक हमारा काम कर लेगा। ओके सही है, वैसे देखा जाए तो मारनी इतनी भी स्ट्रॉन्ग लीडर नहीं है, मतलब लीडर नहीं चैलेंजर नहीं है हमारे सामने। यहाँ पे सब लोग इवॉल्व हो रहे हैं, 51 इवॉल्व नहीं लेवल अप हो रहे हैं। आई नो जिगेंटमैक्स ग्रिमसम, ये कौन सा पोकेमॉन है, पहली बार नाम सुन रहा हूँ मैं। अरे रे देखने में तो अजीब ही लग रहा है, बट आई डोंट नो कौन सा पोकेमॉन है। लेट्स यूज ड्रिल पैक बल्क ऑफ। ओके आई गेस कोई फाइटिंग टाइप ही लग रहा है मेरे को, नहीं है फाइटिंग टाइप तो नहीं है। लेट्स यूज, ओह इसके पास कितने सारे, इसका अटैक और डिफेंस बहुत बढ़ गया है। ओके ये कौन सा टाइप का पोकेमॉन है यार, मेरे को पता ही नहीं है। लेट्स यूज मैक्स गीजर नाइट स्लैश, इसका अटैक बहुत बढ़ चुका है। ऑब्स्टेगून लेट्स यूज ब्रिक ब्रेक प्लेयर ऑफ। ओके इसके पास फेरी टाइप अटैक्स भी है हमारे पास अभी ये। हाँ और हमारा ये पोकेमॉन भी इवॉल्व हो गया, ये तो बताना ही भूल गया मैं, अभी बता रहा हूँ। हमारा जो क्या नाम था इसका, ड्रैपी नाम था ना, वो भी इवॉल्व हो गया बैटल के दौरान, बैटल के दौरान नहीं स्टार्टिंग में इवॉल्व हो गया था। लेट्स यूज शेडो बॉल अगेन। अच्छा ये, अरे यार ये क्या एक एक हमले में मारे जा रहे हैं, मेरे को डर लग रहा है यार गाइस। लेट्स यूज मैक्स फ्लेयर, अरे इसके पास फुल रिस्टोर, अरे यार नहीं प्लीज प्लीज। ओके हमारा सेंट्रेंस सही है यार, सही है यस यार। मारनी बहुत तगड़ी ट्रेनर बन गई यार, मेरे को लगा नहीं था। क्या बोल रही है आई डोंट नो, बट ठीक है तू बहुत अच्छी लड़ी। एक मिनट मेरे को पोकेमॉन हील हो गया क्या मेरे, हेलो नहीं यार पोकेमॉन हील नहीं है, मेरे को नीचे जाके पहले पोकेमॉन हील करने पड़ेंगे फिर तो। यहाँ पे हील कौन करता है, आप करोगे? यहाँ पे ही पोकेमॉन हील करने की कोई जगह है क्या? हेलो हेलो ये क्या है, एक मिनट यहाँ पे एक बार मैं गेम सेव कर लेता हूँ, चलो अंदर जाते हैं। क्या है ये भी कुछ नहीं है आई गेस। हम लोगों को यहाँ से थोड़ा सा टेलीपोर्ट होना पड़ेगा किसी दूसरे जगह पे। एक मिनट इधर से हम लोग किधर जाएंगे? ओके हम लोग अभी इधर से इधर आ चुके, तो हम लोग यहाँ से पोकेमॉन हील कर लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं है। ओके पोकेमॉन तो हील हो चुके, तो अभी हम लोगों को रिटर्न जाना है वहाँ पे, बट वहाँ पे एक दिक्कत है गाइस, हम लोगों को वहाँ पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आई डोंट नो। ये हटता क्यों नहीं है सामने से, एक मिनट मेरे को करना क्या पड़ेगा। ओके स्टोन साइड में आ गया, एक मिनट में मेरे उधर ही चला जाता हूँ यार, मेरे को यहाँ पे पोकेमॉन हील करने हैं, मैं कहाँ से हील करा लूँ। ओके एक मिनट, अगर सामने पीसी भी होगा यहाँ पे किधर, तो मैं पीसी से भी काम करा लूँगा अपने, बट यहाँ पे किधर पीसी भी नहीं है यार, मेरे को कुछ तो चाहिए, यहाँ पे पीसी भी नहीं है। वेट करो मैं गाइस, मैं कुछ तो करता हूँ, मैं मेरे पोकेमॉन हिल, ओ ये देखो यहाँ पे पोकेमॉन सेंटर है, और हम लोग इसको बोलते हैं ना गले में, नहीं गली में छिछोरा गाँव पर ढिंडोरा ऐसा कुछ तो बोलते हैं। हो गए ना हमारे पोकेमॉन हिल, और क्या चाहिए, मैं तो डर गया था। हम लोगों को अभी कहाँ से जाना है, अभी हम लोग बैटल को ये कर सकते हैं, हम लोगों को यहाँ से आए थे ना हम लोग। यहाँ पे एक बार मैं और गेम सेव कर लेता हूँ, चलो अभी बात करेंगे इससे। ओ अभी हमारी बैटल हॉप के साथ है, और हॉप आई गेस हॉप, चलो ठीक है बात बैटल कर ही लेंगे उसके साथ भी, ये इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं था। आई गेस आज का एपिसोड थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, तो आप लोग उसको, ओ ये देखो लेट्स यूज ब्रिक ब्रेक, ये एक नॉर्मल टाइप पोकेमॉन है, बट इसका डबल एज वो सही है। चल तू तो चला गया, नहीं यार फिर भी डबल एज ओके सही है। सारे पोकेमॉन 51 के हो रहे हैं, सही है, नहीं सारे तो नहीं हुए यार स्पीड। ओ कॉर्विनाइट, ओके कॉर्विनाइट के लिए हमारे पास फ़िलहाल तो मैं पोकेमॉन चेंज कर लूँगा, एंड किसको भेजूँ मैं, आजा सिंड्रेंस ब्रेव बर्ड, नहीं 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 ओके सर्वाइव करके कर गए
चलो चलो सही है, सेंटेंस ने इसको ले लिया। जायगांटा बैंक श्रीराबू, ओके ओ सही है। मैक्स ट्राई, नहीं, अरे चला गया। रिवाइव होने चाहिए मेरे पास, नहीं तो बहुत बुरी वाली होने वाली हमारी। एक मिनट में देख लेता हूँ, मेरे पास रिवाइव तो है ना, नो ही है। ओके चल जाएगा, कुछ नहीं। मैक्स डार्कनेस, इसका रिलाबूम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसको ड्रिडनाओ को भेज दे, तो फिलहाल तो आगे थोड़ा सा हिट ले ले दो। और अभी हम लोग इसको हाइपर पोशन 5 ही है मेरे पास। ओके कोई बात नहीं, सिंड्रेंस तू ही संभाल सकता है मेरी टीम में। ओके चलो अभी सिंड्रेंस आ जा तू ब्रो, एक बार हिट कर दे बस। तेरा मैक्स क्वेक, नहीं मरना नहीं है यार, वन शॉट किल हो रहा हूँ मैं इसके। यार मैं इससे हार रहा हूँ गाइस, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइस। लेट्स यूज ब्रेव बर्ड। मैं पैरालाइज हो गया। अरे यार कौन है, क्यों मर रहे हो? ओके मेरा थोड़ा सा काम तो हो गया यहाँ पे अभी। यार मैं, मेरे को डर लग रहा है, सही में डर लग रहा है। मैं हारूंगा नहीं, इतना तो फिक्स है। रिवाइव से, और मेरे पास मैक्स रिवाइव नहीं है क्या? एक भी बार नहीं है यार, मैक्स रिवाइव है ही नहीं। सॉरी फॉर दी बैकग्राउंड नॉइस हाँ बाय द वे गाइस। एक मिनट, मेरे पास अभी 8 रिवाइव है, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला। सिंट्रेंस यार तू तो जिंदा ही नहीं रह पाता। एक बार, एक मिनट काम कर लेता हूँ, कॉर्विनेट को फिर से आगे ले लूँगा। मैक्स क्वेक ठीक है, टॉक्सिक रॉक आ जा, शायद से तू कुछ कर सकता है ये एक। बट तेरा वो मैक्स क्वेक में तू चला जाएगा आई गेस। हाँ वही है, सही है। फिर मैं एक और रिवाइव कर लूँगा, क्योंकि अगर ये मर गया तो मेरे को रिवाइव करने के लिए दूसरा कोई पोकेमोन नहीं मिलेगा। तो हम लोग इसको रिवाइव कर लेते हैं, किसको यार, ड्रेडनाओ को ही बोल कर रिवाइव कर लेते हैं। मेरे को लगा था मैक्स क्वेक आने वाला है। फिर अभी हम लोग ड्रेडनाओ को भेजेंगे और फिर उसको रख के यहाँ पे हाइपर पोशन से उसको हील कर लेंगे कॉर्विनाइट को, क्योंकि कॉर्विनाइट ही हरा सकता है मैक्स ओवरग्रो के। यार इसका रीला बोम तो बहुत, मेरे पोकेमोन, मेरा सेंट्रेंस तो मेगा ही, क्या बोल सकता हूँ यार। लेट्स यूज ब्रेव बर्ड। मैक्स डार्कनेस, पैरालाइज हो जा। अरे यार नहीं, वो सरवाइव कर गया। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इसका भी स्नोरलैक्स आया यार, क्यों क्यों? अभी अभी क्या करूँ, मेरे पास रिवाइव कितने, छः छः रिवाइव है। ओके 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 कूल, ओमकार काम डाउन, ओमकार काम डाउन, कुछ नहीं हुआ है। मैं पहले किसी ऐसे पोकेमोन को सर्वाइव करा लेता हूँ जो इसके हिट्स खा ले। ओके इसको करा लेता हूँ क्योंकि वो एक घोस्ट टाइप है, कि इसके पास थंडर पंच भी है। ओके हराम हरामी, हमारे पास ज़्यादा रिवाइव भी नहीं है। ओके कोई बात नहीं, हम लोगों को अभी ऑब्स्टेगून चाहिए ना इसके लिए। ओके इसके पास क्रंच भी है यार। मेरे को यार, नहीं यार नहीं, उसका जाइगेंटामैक्स रिलाबूम ने तो हमारी पूरी बैंड बजा दी, सच्ची में बहुत बैंड बजा दी, बहुत बुरी तरीके से बैंड बजा दी। मेरे को इसको ही भेजना पड़ेगा। लेट्स यूज़ सुपर पोशन, यूज़ कर लेता हूँ आई गेस, गीगा इंपैक्ट। ओके अभी हाइपर पोशन यूज़ करना ही पड़ेगा, रिचार्ज। ओके सही है सही है। लेट्स यूज़ ब्रिक ब्रेक, थंडर पंच, ओके फायर पंच, ओके फुल रिस्टोर, सही है सही है। मेरे पास फुल रिस्टोर भी नहीं है यार, मैं गरीब हूँ। नहीं, यू क्रस्ट मी। अरे यार हार गया यार, इससे नहीं हारना था। ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग इससे जरूर, हम मेरे को शायद से मेरे के टीम में चेंजेस करने चाहिए। तो एक काम कर लेता हूँ गाइस, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग यहीं पे मिलेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग हॉप की बहुत बुरी तरीके से इज्जत है तो उतारेंगे, क्योंकि मेरे को अभी उसने बहुत गुस्सा दिला दिया है। तो शायद से हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। मैं एंड हाँ एक मिनट, एपिसोड एंड करने से पहले बात कर लेते हैं पोके क्विज के विनर्स के बारे में, लास्ट पोके क्विज के विनर्स के बारे में, एज वेल एज हमारे पोके क्विज के क्वेश्चन के बारे में। तो लास्ट पोके क्विज के विनर्स है सूरत तिवारी, अमनदीप दास, पोके एम जे प्लेज, आदि शुक्ला और एश किंग शुक्ला। एश किंग शुक्ला ये दोनों भाई है, एंड ये तीनों भी ऊपर वाले सब मेरे मॉडरेटर, नहीं पोके एम जे प्लेज मॉडरेटर नहीं है बट बाकी दो मॉडरेटर है। तो ठीक है गाइज, आई होप आप लोगों को पता चल गया रहेगा लास्ट पोके क्विज की विनर्स।
एंड अभी बात कर लेते हैं आज के पोके क्विज के क्वेश्चन के बारे में। तो ध्यान से सुनो, आज का पोके क्विज का क्वेश्चन है, जियोवानी पता है, जियोवानी टीम रॉकेट का लीडर, उसके बेटे का नाम क्या है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया रहेगा। तो अगर आपको आंसर पता है और अगर आपने टॉप फाइव में आंसर दे दिया सही आंसर, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका नाम फीचर करूँगा। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई। इस वीडियो को लाइक मारो, चैनल पे सब्सक्राइब मारो अगर नए हो तो, एंड नेक्स्ट वीडियो में मेरे को हॉप के साथ बहुत बड़ी दुश्मनी निकालनी है। चलो गाइज, मेरे को अभी जाना पड़ेगा। तो होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आई। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।